हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले फॉरेन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे जब ग्राफ गिवन हो। तो ग्राफ गिवन हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखनी तो आती होगी, अगर नहीं आती है तो प्लेलिस्ट में जाके एक मिलेगी प्लेलिस्ट सिग्नल स्केचिंग नाम से, ठीक है, वहाँ पे आके सर्च देख लें। वहाँ पे आके मैंने काफ़ी सारा सिखाया हुआ है आसान तरीके से, फिलहाल इसमें मैं सिखा दूंगा आसान तरीके से। तो हमेशा लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, दोनों चीज आ रही है, स्टेप भी आ रहा है और रैंप भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं रैंप के स्टेप को रेड से शो करता हूँ, तो ये नीचे जा रहा है, ठीक है। नीचे के लिए क्या होता है साइन, माइनस। 0 से ये क्या कहाँ चला गया, -1 पे, तो कितने का नीचे गया ये, -1, ठीक है। आगे क्या, फिर ये रैंप आ गया लाइन, ठीक है। तो ये चलते चले आ रही है, इसका स्लोप फाइंड कर ले। तो मुझे कोई दो पॉइंट चाहिए, ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए। -2, -1 ये होगा, और ओरिजिन से तो जा ही रही है, चलो ओरिजिन वाला ही ले लेता हूँ, आसान पड़ेगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 -y1 / x2 - x1, ठीक है। सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी है जब भी ग्राफ गिवन हो, ठीक है, तभी तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे उसका। तो मेरे पास जो पॉइंट है वो क्या, -2, -1, अगला है 0, 0, इसे कह दिया मैंने x1 y1, ये मेरा x2 y2। तो मेरा स्लोप कितना आ जाएगा, y2 यानी 0 - y1 - 1, x2 0 -2, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 1/2। अगेन देखो ये फिर क्या हो रहा है, इसकी यहां तक जाने के बाद नीचे की तरफ लाइन आ रही है, तो ये क्या, अगेन स्टेप। तो ये 1 से 0 की तरफ आया, नीचे आ रहा है, तो क्या आएगा, -1, ठीक है। आगे देखो फिर इसके आगे क्या, अगेन लाइन, अगर लाइन है तो बट ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, ठीक है। तो ये सब था, आप इसकी इक्वेशन लिख देंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो पहले क्या है, यहाँ पे -2 पे क्या मिल रहा है मुझे, स्टेप मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एक्स टी की इक्वेशन लिखना शुरू कर देता हूँ। x(t) = कितना आ जाएगा, तो पहले से मुझे कितना मिला, -1 नीचे की तरफ जा रहा, कितने का स्टेप, 2 पे मिल रहा है, ठीक है, ut+2। आगे देखो फिर स्लोप आ गया, स्लोप के लिए क्या कंसेप्ट आता है, उसी पॉइंट पे -2 के पे ही, ठीक है। तो -2 से पीछे वाला स्लोप कितना था, 0, और -2 से आगे वाला स्लोप कितना, 1/2, ठीक है। तो आगे वाला स्लोप 1/2 माइनस पीछे वाला स्लोप 0, कितने से शुरू हुआ था ये, -2 से, यानी rt+2। अब देखो ये तो जाती जा रही थी, 2 पे आने के बाद क्या आ गया, स्टेप आ गया पहले, तो स्टेप के लिए लिखो नीचे की तरफ है, तो माइनस आ जाएगा, -1 ut - 2। उसके बाद क्या, 2 के बाद स्लोप 0 की है, तो यहाँ पे 0 स्लोप है, इससे पीछे स्लोप कितना था, 1/2, ठीक है। इसे -1 को नहीं लेना, वो स्टेप है। तो अगले जब 2 के बाद क्या हो गया, स्लोप 0 हो गया, तो उसको लिखो 0 माइनस, ठीक है। आगे वाला स्लोप 0 ना, पीछे वाला कितना था, 1/2, rt-2, ठीक है। ये हो गई इसकी इक्वेशन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना आसान रहेगा, ठीक है। ut+2 ये हो जाएगा 1/2 rt+2 माइनस ut-2 माइनस 1/2 rt-2, ठीक है। यहां तक ये अभी इक्वेशन लिख लिया, मैंने बताया था जब भी हमें इक्वेशन मिलती है ग्राफ की तो क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, जब तक हमें डेल्टा टी ना मिल जाए। लेकिन यहाँ पे खासियत क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन करो पहले, मैं वो दिखाता हूँ अगले वाले स्टेप में, फिर क्या देखोगे तुम, सॉरी dt। ut का कितना होता है, डेल्टा टी, ठीक है। स्टेप का रैंप वो होता है इंपल्स, delta t+2। रैंप का होता है स्टेप, यानी हो जाएगा 1/2
यू टी प्लस टू, यू का होता है अगेन डेल्टा, डेल्टा टी माइनस टू हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 1/2 यू टी माइनस टू। ठीक है, अब एक बार और नहीं लेने ना, क्योंकि डेल्टा का आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेल्टा डिफरेंशिएशन आ गया फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में दिक्कत होगी, तो बस यहीं तक करना है। ठीक है, फिलहाल अब जो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो मैं बता दूं पहले कुछ प्रॉपर्टीज, अगर एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाती है उसमें। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे, अब क्या करना है, इसका आंसर लिखना बाकी है, तो लिखते हैं इसका। ठीक है, दोनों तरफ क्या करता हूँ मैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, या पहले मैं एक बार फॉर्मूले का रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ, हो सकता है कोई पहली बार इसको दिख रहा हो हमारे लेक्चर को। ठीक है, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन कर दूं एक बार, ठीक है, उस फंक्शन का मैं क्या कर दूं, एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं, तो क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म पे फर्क क्या पड़ता है, वो क्या होता है, एक बार जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यानी उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में जे ओमेगा का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब दूसरा देखो तुम, यहाँ पे शिफ्टिंग है। ठीक है, तो ये क्या टाइम शिफ्टिंग है, अगर एक्स टी का एक्स ओमेगा, तो एक्स टी प्लस टी नोट का कितना होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर प्लस है तो प्लस का साथ आ जाएगा, जे ओमेगा के साथ क्या आ जाएगा, ये प्लस वाला आ जाएगा टी नोट एक्स ऑफ ओमेगा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ आई, आगे हमें डेल्टा टी दिख रहा है, डेल्टा टी दिख रहा है, तो डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1। ठीक है, मैं सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, डेल्टा टी का कितना होता है 1, और यू टी का भी लिख देता हूँ क्योंकि यू टी भी दिख रहा है, और यू टी का कितना होता है 1/ जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला यूज करना हमें इसका करने के लिए, तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, इसके बताओ, इसका हो जाएगा एक्स टी, इसका हो जाएगा कितना, जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एक्स ओमेगा। जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस डेल्टा टी प्लस टू, तो अगर टी प्लस टी नोट से शिफ्टिंग है तो क्या हो जाएगा, वो टी नोट प्लस का आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस, प्लस के से शिफ्टिंग हुई है तो ई की पावर में प्लस आएगा, माइनस के से हो गया तो माइनस के आ जाएगा, तो टी नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कितना आ जाएगा जे ओमेगा 2। ठीक है, टी नोट की वैल्यू 2 हो गई ना, अब बस किसका करना है, डेल्टा टी का। ठीक है, तो डेल्टा टी का कितना होता है 1 प्लस 1/2, अगेन यू टी प्लस टू आ गया, अगेन टी नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी, ई की पावर जे ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा मतलब यू टी का, यू टी का कितना होता है 1/ जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, डेल्टा टी माइनस टू तो कितना हो जाएगा, अगर माइनस का शिफ्टिंग होती तो माइनस का आता, तो इस बार टी नोट रख दूंगा 2, अगेन माइनस का हो जाएगा, और डेल्टा टी का कितना होता है 1। ठीक है, क्योंकि एक्स ऑफ ओमेगा करना, आगे देखो फिर अगेन सेम बात करनी है, 1/2 माइनस का शिफ्टिंग है 2 से, तो 2 आ जाएगा ई की पावर में उस टी नोट की जगह, और अब हमें करना किसका, एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा मतलब यू टी का, कितना आ गया ये 1/ जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा देता हूँ, बस इसको हमें सॉल्व करना रह गया, तो ये कितना हो जाएगा, जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर जे 2 ओमेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इस वाले टर्म को मैं इसके पास ले लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस जे जे 2 ओमेगा।
अब इन वालों को अब लिख लेता हूं। देखो इनमें क्या है, वन अपॉन टू ई की पावर जे टू ओमेगा, वन अपॉन जे ओमेगा पाई डेल्टा ओमेगा, वन अपॉन टू ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा, वन अपॉन जे ओमेगा पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, बस सॉल्व करते जाओ, एक्स ओमेगा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहां से क्या कॉमन, माइनस कॉमन ले लेता हूँ ई की पावर वालों में से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस ई की पावर जे टू ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा। तो यहां से क्या कॉमन है, एक तो वन बाई टू और दूसरी क्या चीज कॉमन है, वन अपॉन जे ओमेगा पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, कॉमन ले लेता हूँ मैं उसको, वन अपॉन टू कितना, वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से ई की पावर जे ओमेगा, ई की पावर जे टू ओमेगा, और यहां से माइनस ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, इनको कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं टू से डिवाइड कर दूँ, टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोस का। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, उनका लिख देता हूँ फॉर्मूला जो हम बनाने वाले हैं। हमें पता है कोस थीटा बराबर क्या होता है, ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन टू होता है। ठीक है, ऐसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इजिकस टू होता है ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन टू जे, ये होता है। ठीक है, देखो यहां से पहला वाला टर्म इसके जैसा बन रहा है कोस वाला, बस उसमें टू की कमी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टू से उसमें क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमिनेटर में और टू का डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, बन गया ये थीटा ही जाएगा, कितना है टू ओमेगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर अगला वाला लिखेंगे। जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा, तो माइनस इस वाले टू को मैं पहले लिख लेता हूँ माइनस टू। ठीक है, तो ये कितना बन गया, कोस टू ओमेगा प्लस वन अपॉन टू जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे कमी है किसकी, टू जे की कमी है, इसमें क्या है टू जे की कमी है, तो मैं क्या करूंगा उसी टू जे से कर लूंगा अपना काम, टू जे का डिवाइड किया और टू जे का मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस वाले टू जे को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ई की पावर जे टू मेगा, ई की पावर माइनस जे टू मेगा अपॉन टू जे कितना हो जाएगा, साइन टू ओमेगा। राइट, बस इसको सॉल्व करो, ये टू से ये वाला टू कैंसिल। ठीक है, और क्या करता हूं मैं, इस जे को ये जो जे साइन टू ओमेगा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, माइनस टू कोस कोस ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, जे साइन टू ओमेगा अपॉन जे ओमेगा हो जाएगा ये, प्लस इसके साथ करूंगा तो मैं जे पाई डेल्टा ओमेगा साइन टू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर डेल्टा टी किसी के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है, जैसे एक्स टी कोई फंक्शन है उसके साथ डेल्टा टी का मल्टीप्लाई होया है, तो उसका मतलब क्या है, टी की जगह मैं क्या रख दूंगा, जीरो रख दूंगा। ठीक है,
ये किसके इक्वल होता है, जो एक्स टी फंक्शन है उसमें क्या रख दो, टी की जगह जीरो रख दो। अगर ये कोई टी वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, टी की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, सेम ही वेरिएबल ये ओमेगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो लैम्डा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा के साथ साइन टू ओमेगा आ रहा, तो मैं ओमेगा की जगह क्या कर दूंगा, यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या रख दूंगा, जीरो रख दूंगा, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इसको बस सोल्व करो, जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा कितना बचा, ये -2 कोस 2 ओमेगा, यहाँ पे क्या है, ये जे से जे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको काट नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे कट गए हैं ये, इसको ध्यान रखना। तो ये कितना बचेगा, साइन टू ओमेगा अपॉन ओमेगा, और जब वो कट जाएंगे तो अपॉन ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई जे डेल्टा ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, ओमेगा जे जीरो रखा तो 2 × 0, साइन जीरो होता है जीरो, तो ये पूरा ही टर्म क्या बन गया मेरा, जीरो बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास बचा क्या, बचा जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा -2 कोस 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा, एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा, ये हो जाएगा 2 ओमेगा कोस 2 ओमेगा प्लस साइन 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो, जे ओमेगा का डिवाइड कर दो, हमें एक्स ऑफ ओमेगा मिल जाएगा। यहां से एक्स ऑफ ओमेगा कितना आ गया, -2 ओमेगा कोस 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा अपॉन जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे दोनों, डिवाइड करने के बाद हमें पता है जे को हम क्या करते हैं, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 1/j जो होता है किसके इक्वल होता है, -j के, कैसे होता है ये, जैसे 1/j लिखा, मैं एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करा, ऊपर नीचे j की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो या ऊपर हो जाएगा j, नीचे हो जाएगा j² j² की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना हो गया, -j, ठीक है। तो 1/j को मैं क्या लिख सकता हूँ, -j, तो ये जो डिनोमेटर वाला j ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -j -j -2 ओमेगा कोस 2 ओमेगा प्लस साइन 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा², ठीक है, ओमेगा की ओमेगा मल्टीप्लाई करूँ, ये माइनस साइन है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, -1 की, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया है, ये जे अपॉन ओमेगा² को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, कोस वाला टर्म तो बन जाएगा प्लस का 2 ओमेगा कोस 2 ओमेगा, ठीक है, और ये साइन वाला बन जाएगा माइनस का, ये क्या इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, कोई भी अगर ग्राफ का क्वेश्चन गिवन है तो पहले उसकी इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिखते ही क्या कर दो, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दो डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, काफी आसान था, इतना ज्यादा कुछ था नहीं इसमें करने के लिए, ठीक है। अगर एक बार तो हमने वेव फॉर्म लिख ली, उसके बाद तो जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है, तो उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है, एक बार देख लो कुछ छूट गया होगा। ओके, थैंक यू।